सब गाड़ी में सीट लगाने में लगे हुए हैं। बोल देना पापा में हम जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पे घूमने के लिए। और फॉरेन ट्रिप अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, रास्ते में पता चलेगा। ओके फिलहाल तो अभी हम मोनू भैया के सोने के लिए पीछे सीट सेट कर रहे हैं और फिर जब मेजर नींद भी होएगी फिर कपड़े गिरेंगे वहाँ, फिर पीटेंगे धो धोकर हमें घुसते-घुसते ऐसे बनेंगे। सो गाइज हम फाइनली ट्रिप पर जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद ऐसा अवसर मिल रहा है। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग सब लोग साथ में गए थे 2021 में गए थे हम लोग लास्ट टाइम कोरोना के बाद। मोनू भैया आप कुछ बताना चाहेंगे ट्रिप के बारे में? मैं तो भाई ड्राइवर आदमी हूँ, मैं क्या बताऊंगा, गाड़ी चला रहे हैं हम तो, और जाएंगे फिर ट्रिप पे मजा का देखें कौन क्या बदतमीजी करता है गाड़ी के अंदर भी क्या करता है। जितने पैसे दिए उतना बोलो फालतू, जितने पैसे मिले उतना बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल बताना। सोनू भैया लास्ट टाइम में गया था, हमने खीरे खाए थे, एंजॉय किया था। खीरे खाए थे, एंजॉय किया था, वैष्णो देवी गए थे, ईवी से गए थे, मनसा देवी गए थे। नहीं मनसा देवी तो गए थे, मनसा देवी और चंडी देवी, मनसा देवी नीलकंठ पे हमने गाड़ी भी चढ़ा दी थी डिस्चार्ज करके। और क्या इसके आप कुछ बोलना चाहेंगे? लास्ट टाइम बड़ी जोरावारी वापस आ गया इस आदमी की वजह से, ईवी के चक्कर में भाई इतना पैसा दिया छोटू भी बात कर रहा है। तो ठीक है गाइस, हम आपके साथ बने रहेंगे ट्रिप पे। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सो गाइज आज हम आपको अपना सिस्टम शो करेंगे मेरठ में, बगैर पैसे दिए और बगैर फास्टैग रीड करे टोल पे निकल के दिखाऊंगे हेलमेट बजवाऊंगे। और ये दोराला टोल है और देखो इसमें टोल चिपक भी नहीं रहा और किसानों के नाम पे फ्री है। और देख लो कहीं फास्टैग नहीं है हमारी गाड़ी में। तो गाइज देखो कैसे हम टोल फ्री करवाते हैं अब यहाँ पे। मनीष अहलावत भाई, मनीष अहलावत आज टोल देगा नहीं लड़का। बात करवा रहे, बात कौन लगे। सो गाइस देख लिया आपने सिस्टम, विदाउट टोल दिए हमने अपना टोल गेट खुलवा लिया है। हमें लगा ना कि ये सब पीछे रख दे प्यार से साथ। ये खुल गया विदाउट टोल के। हाँ जी अब क्या करते बोलना जरा निक्की बाबू जी, क्या करते आपकी चेली है साउथ अफ्रीका में, बहुत ही सज्जन आदमी बनने की कोशिश है इस आदमी की, इसीलिए हरिद्वार जा रहे हैं पाप धोने के लिए। पाप धोने जा रहा हूँ गाइस मैं सबके के पीछे बहुत ही शैतान छिपा हुआ है टाइप आदमी एक छुपा हुआ है। तो इसका नेक नहीं है लड़के की ठीक बोलने की, तो ये बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, इसको हम इसलिए पीछे बिठाया है, फालतू बोलता बराबर पिटता है उससे। तो गाइस हमने पीछे घेर दिया इसको, हमने एक जरा डिग्गी में सो रहा है उसको तो मतलब ही नहीं कौन क्या कर रहा है। अच्छा थर्ड सीट पे एक्स्ट्रा लौट रहा मालिक बन के पूरा है मजबूरी वाला लौट वगैरह है। अबे सबसे बढ़िया सीट मिल रही है तेरे को तो है? सबसे बढ़िया एकदम 6 फुट है। तो गाइस चलते हैं फिर आपको मिलते हैं, अभी हम आगे क्या क्या करते हैं। लड़के हमारे साथ ये बहुत शैतान है, क्या बैठा मेरे बराबर में, पैसे लेके भी नहीं बोल रहा, तो बोल ले 500 रुपये दिए ठीक है। गाइस फिर हम आपको मिलते हैं। अभी एक्चुअली ड्राइवर फोकस नहीं कर पा रहा है गाड़ी चलाने पर। जिस किसी का मन हो हरिद्वार में भी मिलने हम लोगों से आकर हरिद्वार में मिल सकते हैं। होटल का एड्रेस हम डाल देंगे कमेंट में, हैं ठीक है भाई, एड्रेस कमेंट में डाल देंगे, कमेंट में डालेगा। चलो ठीक है बाय करो भाई लड़को, बाय बाय, लिमका पी लो तुम। गाइस बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है आज रोड पे, वरना यूजुअली सैटरडे को पूरी रोड जाम रहती है हरिद्वार की। और पीछे भाई लोगों ने अपना क्रिकेट चला दिया है एकदम काली वासा। ड्राइवर अपना मस्त अंदाज चल रहा है और गंदा आदमी कर रहा है मतलब गाने वाने लगा देते हैं ना तो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार कंकल बीच में बहुत सारे प्लान बने और टूटे और बिगड़े और वो बिगाड़े पीछे वालों ने, कोरोनाओं ने। सो आप हरिद्वार वाया फ्लाइट भी आ सकते हो। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, नियर बाय है देहरादून में। वाया बस भी आ सकते हो, दिल्ली से सीधी बस चलती है और वो भी ईवी, और ईवी बस है। देखो कितनी पुरानी गाड़ी में यार, देखा जरा सफारी नंबर प्लेट पे है 3 चौक। ये देखो सफारी, देखो नंबर प्लेट सफारी चल रही है। उत्तराखंड पे आप विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी चला रहे हो, बताओ ऐसा गाड़ी तक नहीं पता क्या भर रखा गाड़ी में। वैसे ही सामान भर रखा, लासे भर रखा। ये भी 5086 है नंबर, आगे है 5086। अच्छा आगे है, हां पीछे से वो कट जाते हैं ना। शुरू की 3 से 4 विकेट का खेल है। अगर वो गिर गई ना फिर पाकिस्तान नहीं बना पाते, क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या ऐसे कोई प्लेयर। ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है एज कम्पेयर टू अर्लियर सैटरडे। तो यूजुअली बहुत ट्रैफिक होता है, यहाँ से निकल पाना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि अभी लास्ट वीक बहुत ज्यादा पानी आ गया था गंगा जी में, तो उस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। लोग कितना जल्द देखो, जल्द देखो अभी आप जल्द देख सकते हो। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, शांत यार, बहुत ही शांत है इस समय। हर की बॉडी पे हम आवाज़ सुनवाएंगे जल्दी। सो हरिद्वार की मशहूर पार्किंग दीनदयाल पार्किंग। अगर आपको हर की पौड़ी आना है तो दीनदयाल पार्किंग पे आओ, बहुत ही पास है वहाँ से हर की पौड़ी। लास्ट टाइम जो अभी जल भराव हुआ था उसके बाद दीनदयाल पार्किंग का फर्स्ट फ्लोर भी डूब गया था। तो यूजुअली ट्राई करो कि सेकेंड फ्लोर पर गाड़ी खड़ी करो, हम भी वही ट्राई करेंगे अगर जगह मिली तो। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि केदारनाथ में भी भीड़ होगी। बड़े बचाते हैं, आप चाहो तो जा सकते हो। वो ऊपर पहाड़ों पे मां मनसा देवी दिखाई दे रही हैं। तैरना आता है? हो रही ऊपर पहाड़ों पे मां मनसा देवी। सामने लिखा सीधा। सो गाइस हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं फाइनली, अपनी स्कॉर्पियो के साथ, स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ, ना कि एन के साथ। और दोनों बराबर, ठीक है। एक और गाड़ी के दोनों, और एक और दो स्कॉर्पियो हैं। ये भैया की गाड़ी है, ये सोनू भैया की। और उधर पहाड़ों पे अपनी माँ मनसा देवी, इधर पहाड़ों पे अपनी माँ चंडी देवी। सो गाइस आखिर रोज बनाना तब ब्लॉगिंग, और हम गाइस आ चुके हैं हर की पैड़ी पे और पार्किंग में इस समय तो हम। और देखो गाइस हमें एक चीज़ और मिला यहाँ पे, ईवी चार्जर गाड़ी का। कोई अभी नहीं ईवी लाओ, यहाँ पे लगाओ। कौन सी कंपनी? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये इंडियन कंपनी का डबल ईसल का है। चल नहीं रहा है शायद। चल रहा है यार डबल ईसल का, मगर हाँ इस समय नहीं चल रहा है। इस समय चार्जिंग पॉइंट नहीं दिखा रहा है। ये सही है यार, मस्त है। अगली बार भैया की ईवी लेकर आएंगे। अगली बार ईवी लेकर आएंगे हम। इस बार तो हम ही ले आए हैं। और निक्की ब्रो हमारे पीछे है, मस्त कर रहा है, मस्ती ले रहा है पूरी लाइफ की। सिस्टम हैंग कर देंगे। चलो गाइस गाड़ी पे चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय। ये लोग रेडी हो चुके हैं नहाने के लिए, गंगा जी में नहाने के लिए। बॉडी छोटी दिखाओ हमारी, करने के लिए ठंडा पानी है। ठंड लग रही है, मोनू भैया तो उतर भी नहीं रहे हैं पानी में। चेन मिल गई है इन लोगों को नहाने के लिए। लगाओ भाई, डुबकी लगाओ। अबे यार ये आदमी कितना नीचे उतर गया है। डुबकी तो लगाओ, डुबकी लगा रहे यार। उठिए भाई, भगत भाई। लेकिन अभी भी कुछ लोग मानते नहीं है यहाँ पे। इस नहा के आ चुके हैं ये लोग। मैं बहुत अच्छी तरह नहाया हूँ और कूद कूद के नहाया हूँ। बहुत जमानों भर बाद नहाए हैं ये। हाँ वाकई भाई, सदियों बाद नहाया हूँ मैं आज। बता तुमको, और ये लड़के तो सुबह चाहे दिन नहा के आगे टाइम पास करके, ये लड़का तो नहाया ही नहीं। मैं बहुत कम मुश्किल से मारा होगा, तुमने देखा भी होगा ब्लॉग में। बिल्कुल। अब गाइस खाने की तैयारी है और रुकने का इंतजाम करना है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे। सो गाइस बाजार में आ चुके हैं। आगे बाजार लग रहा है शुरू में, और कपिल हमसे आगे जा रहा है, ठाकुर हमसे आगे जा रहा है, और छोटू और निक्की पीछे है। और ये बाजार है आपका। लड़के कहाँ गए? लड़को हम तो यहाँ एक घेरा। ये तो पूरा मजा ले रहा है, तो पूरे हाथ भगा रहा है, पता नहीं क्या करके मानेगा आज गाइस ये। इसका समझ से बाहर बात है लड़के का। गंगा लहरी में रुकेंगे, गंगा लहरी में रुकोगे। चलो गाइस दिखाते भी। सो गाइस ये छोटू प्रो है, बहुत मिलाया गया है, बहुत दिनों मिला आज। भैया का परछावा तो नहीं पड़ा, भैया तो बहुत सीधे इस मामले में। एक प्रो है तो मेरे साथ रोज रहते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं। मगर ये लड़का जो है ना, बहुत मिलाया गया। भैया की टू कॉपी हो गए हम, साथ रह के भैया का परछावा पड़ा और फिर हम गायब हो गए। कहते ना बहुत मिलाया लड़का है ये, काबू में नहीं आता। बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगा हमारे, तो गुस्सा बहुत है। भी जाकर इसको हम ठोकेंगे होटल में। यस ब्रो, बहुत कड़ा पिटेगा तो आज, छूटेंगे नहीं तेरे को। तो गाइस अभी हम आपको पूछ के फिर आपको दिखाते हैं कैसी कुटाई करते हैं आज। अरे दो गधे आगे। बुखार लड़के का तबीयत होगी खराब, जुकाम हो गया कपिल का। तो ऐसे लड़का दवाई ले रहा है, अब मिलेगी नहीं मिली देखते हैं। शायद मिल रही है इसको लड़के को। सो गाइस इन लड़कों को दवाई नहीं मिली तो इनका पोपट बन गया दोनों का। कैसा लगा पोपट बन गया? वैसे तो स्टोरी थका हुआ देखा तुमने यहाँ पे, तो उसे मिलती कहाँ से? देखना कितना बड़ा घंटा टंग रहा है प्यारा, गणपति जी ऊपर विराजमान है। शंकराचार्य भवन महीने मेटर चैन नहीं है अभी, यही पीएमपीए भी करती फिर हैं। सो गाइस आखिर होटल में पहुंच गए, बड़ी मेहनत के साथ घूमते हुए ढूंढते हुए, और आते ही लगभग बाथरूम में घुस गए हैं। दिखाते हैं आप, ये लड़के हैं यहाँ पे, आते के साथ बाथरूम में घुस जाते हैं, जिलता इनका खाना है नहीं। और ये लड़का आते फैल गया, टांग फैला गया है। थक गया क्या? नहीं देखना गाइस कैसे टांग फैला के लेटा। अरे कितना गंदा देखा, 3 दिन निककर सुखा दी थी ना आते एक साथ यहाँ पे। ये लड़का बैठा है, इसने निककर टांग दी है यहाँ पे। तो बहुत गंदा लड़का है, बहुत ज़्यादा। ऐसे चल रहा है यहाँ पे बड़े वाली। नहीं बिरो मैं सोऊंगा पहले, कब जा रही? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं आती भाई, नहीं नहीं यार नहीं भाई, रूम भी ठंडा हो जाएगा। कोई बात, कपिल सोएगा उधर, मैं तो सोइए बीच में सोऊंगा उधर, तुम पहुंचो वहाँ लास्ट वाले में। तुम्हें हमें चाहिए कम, मुझे चाहिए इसे कम ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसे कम पीसती नहीं। नहीं भाई यह देखो पसीने देख कैसे पकड़े थे, देखो टपक टपक। नहीं बेटा तुम बीचो सही है बेटे, ये गुंडा कर देने चलेगा इसको। तो गाइस देखना कितना बदतमीज कर रहा है। मैंने ना रूम में घुसते ही सबसे पहले देख लिया था कि हवा कहाँ जा रही है। नहीं हवा तो वहाँ ले ले, ऐसे के ऊपर कर दे भाई इसकी हवा। चादर देते भाई। सो गाइस तो अभी जाएंगे हम खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद आपसे लेटते समय फिर बात करेंगे खाना खाते हुए। तब तक के लिए बाय। तो गाइस पंखा छत पे घूमता है और नीचे पे भी सोता है। सोते सोते भूख लगी, हाथ में ले लिया मोबाइल फ्री, एक ने उठा लिया डॉट फोन, इसको लगी ज़्यादा भूख। वाईफाई फ्री है। और गाइस पंखे चलते हुए, लाइट जलते हुए, मस्त मस्त पर्दे लगे हुए। होटल सिटी आ रहा है।